श्रद्धा, मैं ना शो में बुला के उसके ऐसी वीडियो डालूंगा ना और शून्य जो आर के पीछे से बोल रहे, शून्य के लिए इसका ब्रांड है शून्य, इसने पूरे शूट के दौरान इतना शून्य पिलाया ना हमको, मुझे नहीं पता था वो इंडिकेशन है मेरे रोल को लेके नहीं और मुझे ना कोई मतलब मुझे ठीक है ये पिलाती थी शून्य की, ये प्योर हेल्दी है, हेल्दी है, सब कुछ ठीक है, हमें पिलाते कोई दिक्कत नहीं, इस आदमी को कौन पिला रहा हेल्दी है, देखना इसके इसके कमरे में कार्टन रख देते थे इस आदमी कमरे में, क्या लेना देना है हेल्थ का मेरे से। और भाई उस ब्रांड का नाम शून्य था इसलिए एंडोर्स कर रही थी, 900 रुपये होता या ना करती ये मना करती थी जिसकी हालत चल रही है ना। एंडोर्स नहीं, इन्वेस्ट कर दिया इसने शून्य, तूने इन्वेस्ट कर रखा है उस ब्रांड में, वेरी नाइस ब्रांड गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज गो। भाई बुला दे यार, बाहर बुला दे, आप जाओ, चलो हो गया, आप आ जाओ भाई, आ जाओ। मेरा भाई से एक सवाल है, आप बीच में आए जरा एक मिनट, अच्छा क्योंकि आपकी बहुत जरूरत है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गाइस प्लीज फोकस। ये जवानी दीवानी आई, ठीक है, कितने लोग बनी के फैन है ये जवानी दीवानी, देखो एक बार वहाँ, जब आपको पता था कि ये हालत है, ये जवानी दीवानी रोम कॉम आपने की थी, अच्छा तो उसके बाद आपको क्यों लगा कि अब ऐसा काम करूंगा ही नहीं जो लोगों को पसंद आ जाए, पिछले 7-8 साल से क्या टेढ़ी मेढ़ी चीजें करे जा रहे हो, क्या हो गया, तू चुप होएगा आज की नहीं होएगा, एक तो मेरा रोल कट गया मैं बता रहा हूँ, नीचे बैठ जा, अभी श्रद्धा ने दिल बनाया बहुत नहीं था इसका, ये लोग रैली में आए, बैठ जा नीचे। हाँ जी भाई, देख वसी भाई, सिंपल सा एक एक कोई स्ट्रेटेजी तो नहीं है, बट अगर मैं एक की किस्म की पिक्चर करते जाता तो शायद वो एक्साइटमेंट मर जाता है पिक्चर का, और ये फिल्म की है ना, और इसका जो एक्चुअल रीज़न है वो एक्चुअली मैं होली में बताऊंगा। होली पे तो मैं भी बताऊंगा अगर पिक्चर में से मेरा सीन कट गया तो पर मेरा एक सवाल है आप, नहीं कटा, नहीं कटा, पक्का पक्का, क्योंकि था ही नहीं, नहीं नहीं था, था, था। देखो गाइस ऐसा, मैं स्पेन घुमाया इस चक्कर में मैं खुश हूँ, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। वैसे तो मैं अपनी तरफ से भी गया था शोज करने, पर मैं इस आदमी को थोड़ा सा क्रेडिट देता हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है जो किसी फैन ने मुझे भेजा था, जो आपसे पूछना आर के भाई, कि सच्चा प्यार कहाँ और कैसे ढूंढा जाए, आप तो निकलो प्यार की बात चल रही है, निकलो यार, सच्चा प्यार कहाँ और कैसे ढूंढा जाए और कहाँ मिलते हैं ये लोग, प्लीज ये मत कहना ये भी होली पे बताओ। हाँ ये भी होली पे बताऊंगा, 2 साल लगे यार एक ये सवाल का जवाब देने, तो अभी होली के लिए 2 साल नहीं लगे यार, मैंने 1 साल में बनाई, 1 साल कोविड चल रहा था, मेरे पे इल्जाम नहीं आ सकता, बहुत फास्ट बनाई पिक्चर। अच्छा हा? ये दाढ़ी काली थी जब मैं मिला था कुर्ता भी सफेद था इसका, तुम लोगों ने टॉर्चर किया है मेरे को हमने स्ट्रेस दिया, तुम लोगों ने स्ट्रेस दिया है उससे सफेद हो गई मेरी दाढ़ी। हाँ बिल्कुल सही बात है, स्क्रिप्ट तो हम लिखना भूल गए थे ना नहीं भूले नहीं थे, लिखी नहीं थी, वही वही हमारी गलती थी ना, मतलब स्ट्रेस इतना था तुम लोगों का, क्या क्या कर रहे थे हमारे साथ के, तुम लोगों ने बहुत टॉर्चर किया मेरे को, कैसे, डेट्स को लेके, शो चल रहे हैं यूरोप में इंडिया में, मुंह मत खुलाओ बता रहा एक दिन नहीं हुआ ऐसा कि जब इस आदमी ने मुझसे डेट मांगी और मैं आया ना हूं, मैं फिर भी आदमी ने मेरे रोल काट दी, ठीक मैंने नहीं काटा, एडिटर ने काटा, काहे, देखो एडिटर साहब आए ही नहीं है इसलिए कि मैं मुझे फेस करना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं, देख लूंगा सब सबसे मिलूंगा, ऐसी कोई बात नहीं, क्या मेरी स्टैंड अप थोड़ी बंद हो गया, 1 घंटे का सेट बनाऊंगा साथ में, तुम देखना इसके आधे जोक्स मेरे लिखे हुए होते हैं मैं बता रहा हूं, उन पे कोई नहीं हंसता आपका हो गया, आप चाहे क्या हो गया आपका, चाहे श्रद्धा आगे आ जा, श्रद्धा आ जा, आ जा, आ जा, एक क्वेश्चन अब श्रद्धा सर, आप बीच में आए, हाँ। आपसे ये रिलेटेड श्रद्धा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जेन्युइनली बताइए मुझे कि इस आदमी ने स्क्रिप्ट भी नहीं दी थी तो फिर ऐसा क्या हुआ, इतना विश्वास कैसे हुआ कि 3 साल तक कोई और काम किया ही नहीं यार 3 साल तक मतलब कोविड था यार, कोविड था और कंफर्म कर दिया ना 3 साल लगे जो आदमी झूठ बोल रहा था अभी 2 और 1 ठीक है एक तो कोविड था हाँ। और मेरी पिक्चर चल रही थी बागी और कोविड ने उसको मतलब बंद कर दिया। मैं पैसे इतने ज्यादा हो गए हैं कि काम करने का मन ही नहीं कर रहा, क्या पैसे इतने ज्यादा हो गए हैं काम करने का मन नहीं कर रहा या आलस आ गया? नहीं यार ये कोविड ने ही बैंड बजा दी, तो अभी अभी आ रही है, रिलीज हो रही है पिक्चर, मुझे लगता है इसको पैसों की जरूरत नहीं, ये फॉलोअर्स में खुश है, ऐसा है क्या, पैसों की जरूरत तो नहीं है जब शॉपिंग 7,000 रुपए करनी है टोटल महीने में, तो इनकी 400 रुपए की चीज खरीदनी है, इनकी जरूरत है,
मैं बस वेट कर रहा हूँ, दोबारा से खड़ा हूँ, उसकी फिर से बेइज्जती करूँ. ठीक है, देखो आलस तो नहीं है तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ. मैं एक जेन्युइन बात, बहुत देर हो गई हमें मजाक करते हुए, मैंने इनके साथ 2 साल टाइम स्पेंड किया, अब तो टाइम स्पेंड ही बोल सकते हैं, शूट तो क्या ही बोलूँ. 2 साल टाइम स्पेंड किया, पर मैंने इन लोगों को देखा, इन्होंने जैसी मेहनत करते हैं ये लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए, और जितना इनके सामने बैठ के लव सर इनको डिस्करेज करते हैं, क्योंकि ये आदमी इनके सामने बैठ के ऐसी चीज़ें ऑर्डर करता है जो ये लोग नहीं खा पा रहे हैं. तो उसके बाद मैंने इनको भी देखा, आर के को भी देखा. एक दिन तो गलती से आर के ने मुझे बुला लिया कि मेरे साथ एक्सरसाइज कर, मैंने 5 दिन बात नहीं करी उस आदमी से. पर ये लोग जेन्युइनली जितनी मेहनत करते हैं ऐसी बॉडी मेंटेन करने के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. मैं तो स्टैंड अप के लिए इज्जत बढ़ गई थी कि वहाँ पे एटलीस्ट बॉडी नहीं बनानी पड़ती, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो इसलिए रोल कटा तूने, बॉडी नहीं बनाई इसलिए. गाइस मैं पतला हुआ था, इस आदमी ने शूट नहीं किया मेरा उस दिन, एक दिन पतला लग रहा था मैं. क्या सीटी बजा रहे, चलान काटने किसी के? इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ इन लोगों की अच्छी अच्छी बॉडी बनाई, ताली बजा इन लोगों के लिए एक बार, दोनों के लिए. पीछे से ही थैंक यू बोल दे. नहीं अच्छा, फिर बीच में खड़ा करेंगे ना. हाँ ठीक है, चलो गाइस हम एक काम करते हैं, प्रोड्यूसर साहब को ऊपर, सर मैं आपसे तो कोई, प्लीज आप आए भूषण सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं. मेरा बस इधर से आ जाए सर. सर मेरा बस आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है, मैं बॉलीवुड से नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ. मेरा बस क्वेश्चन है कि हर चीज टी सीरीज ही है, तो इसको बुशवुड ही कर दो ना, कुछ बॉलीवुड हटा ही देते ना कुछ ऐसे. मैं बॉलीवुड जानता नहीं हूँ, जैसे बुशीवुड कुछ ऐसा कर देते हैं, ताकि तुमने कोई चीज देखी जो टी सीरीज के अलावा कहीं जा रही हो कहीं बाहर? वो तो मैं अलग से करूंगा, अभी मैं सर से बात तो कर लूंगा. तो सर प्लीज भाई मैं आ जाऊं तो तब करेंगे ना, जब कुछ पैसे बचेंगे. पैसे बचेंगे, सारे पैसे तो ये ले गए, तो सर पिक्चर में लगा दिए इन्होंने. थोड़े अच्छे डायरेक्टर चूज करें आपने. मैंने कोई खर्चा नहीं किया, अंकुर से पूछ लो. अंकुर सर आना जरा, एक सेकंड अंकुर सर के लिए ताली बजाओ. अंकुर सर आएंगे, हमारे प्रोड्यूसर साहब आइए. इन्होंने खर्चा नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया. आ जा, तो 150 दिन क्या किया? तो ये बहुत खराब लग रहा है, बार बार पीछे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं हम लोग. आ जाओ, थोड़ा इन्हें दूर दूर कर दो, थोड़ा और श्रद्धा, थोड़ा दूर हो जाओ, गिनना नहीं है बस. हम मीडिया क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? आप लोग जिसका भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग पूछ सकते हैं. आप लोग क्वेश्चन पूछने से पहले मेरा एक बस छोटी सी बात है रणबीर को लेके, कि शादी करके बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है? और बच्चा करके भी बहुत ज़्यादा खुश है, बचपन से बाप बनना चाहता था, बाप बन के बहुत ही ज़्यादा खुश है, ठीक है? सारी इच्छाएं इसकी पूरी हो चुकी हैं. तो ये वाला सवाल अगर घर से लेकर आए हो तो काट दो, सिलेबस पे रहेंगे, ठीक है? जिसको मन करे पूछ लो, आ जाओ. सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछना है. हाँ, कोई पूछना ही नहीं चाहता क्या? रणबीर इधर, रणबीर भाई, रणबीर, रणबीर, आशीष कैसे हो आप? बस बस, आप कैसे हो? मैं बढ़िया भाई. मतलब ये झूठी और मकार की जो कमाल की जोड़ी है, मतलब वो अलग ही लेवल पे जानलेवा होने वाली है. सुपर हॉट लग रहे हो आप इसमें बहुत दिनों से, क्योंकि लव के फिल्मों से ना लोगों को बहुत ज़्यादा वो जो एक रोम कॉम वाली फिल्में हैं, मोनोलॉग जो आपका दिख रहा है, वो सब चीज़ों के लिए बेकरार रहते हैं. अब जब आप दोनों इसमें इस तरीके से इस लीथल कॉम्बिनेशन के साथ आए हो, और बहुत दिनों से हम लोग को उम्मीद थी कि ऐसी कोई फिल्म आए जो लोगों को हंसाए, खिलखिलाए और खुशी भी दे विथ अ मैसेज, आप इसको कैसे देख रहे हो? हाँ एक सेकेंड, बहुत अच्छा सवाल आपका, वेरी गुड क्वेश्चन. एक सवाल आप पूछो इनसे पहले. आप झूठे हो या मकार हो भाई? एक चूज कर लो. मैं तो आपका भाई हूँ, जो आप होगे वही मैं हूँ. आप अमेजिंग हो. ये नहीं, सही साफ जवाब देना पड़ेगा. और कौन भाई अपने भाई को हॉट कहता है भाई? हाँ. नहीं, इस सवाल का जवाब एक्चुअली बहुत लंबा है, सो आई ट्राई एंड कीप इट शॉर्ट. मुझे याद है जब मैंने प्यार का पंचनामा 2 जब रिलीज़ हुई थी और मैंने देखी थी, ऐसी इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने किसी डायरेक्टर को फ़ोन किया. झूठ है. अच्छा एक सेकंड. जो लव है, और मैंने कहा कि लव मुझे फिल्म बहुत पसंद है, आई वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू ऑन अ मूवी. फिर हम मिले, हमने बहुत यू नो अलग अलग आइडियाज़ डिस्कस किए, हमने एक फिल्म भी लॉन्च की थी अजय सर और मेरे साथ, जो लव डायरेक्ट करने वाले थे. फिर लव कुछ महीने बाद आके उसने मुझे आइडिया बताया, एंड सिंस देन वी बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स. वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ आइडियाज़, जो एक सिनेमा की फीलिंग होती है. आई थिंक वी वर वेरी लाइक माइंडेड ऑल्सो. एंड देन आई थिंक जो आइडिया ये लाया था, जो झूठी और मकार का जो आइडिया था, आई थिंक इट हैड अ लॉट ऑफ लव, इट हैड अ लॉट ऑफ वॉर्म्थ, इट हैड अ लॉट ऑफ वो फैमिली सी फीलिंग, इट हैड अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट. एंड
ऐसे बहुत कम फिल्म मेकर्स हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में जो इस किस्म की फिल्म बनाते हैं. तो आई वॉज रियली ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. जैसे तूने पहले क्वेश्चन पूछा था कि ये जवानी है दीवानी के बाद तूने ऐसी फिल्म क्यों नहीं की, क्योंकि ऐसी फिल्म बनाना सबसे मुश्किल है. यू नो वो आप बना तो लोगे रोम कॉम, बट रोम कॉम थोड़ी वेस्टर्नाइज हो जाती है. आप न्यूयॉर्क जाते हो, लंदन जाते हो, वहाँ शूटिंग करते हो, तो ऐसा लगता है कि अच्छा रोम कॉम बन रही है. बट एक्चुअली रोम कॉम सब इट्स इन द राइटिंग. एंड आई थिंक लव एंड राहुल बोथ आर एक्सट्रीमली फाइन राइटर्स एंड दे वेरी गुड डायलॉग राइटर्स. सो इट वॉज ट्रूली अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस एंड आई एम रियली हैप्पी दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. से सवाल से उतना ही बड़ा जवाब था. बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड राहुल एंड लव. राहुल सर एंड लव सर आर वेरी गुड एडिटर्स आल्सो. जो भाई मैंने नहीं काटी, राहुल ने कटवाया. जो आइडिया था मूवी का जो आर के बता रहा है कि आपस में डिस्कस करते हैं लोगों ने. ओके गाइस, यू गाइस नीड टू नो, एक लड़का दिल्ली में कॉमेडी कर रहा है उसे बुलाते हैं. यू गाइस नीड टू कट दिस आउट नाउ. उसकी बेइज्जती करते ना, मतलब ये हो गया. अगला क्वेश्चन. ओके रणवीर, या स्ट्रेट. यस सर. किससे? माय क्वेश्चन इज टू यू रणवीर. यस. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस कांग्रेचुलेशंस ऑन अ फैबुलस ट्रेलर. दिस वन लुक्स टोटली लाइक अ विनर. And Ranbir, it took you such a long time to come back to this genre. Ye Jawani Hai Diwani, Ajab Prem Ki Gazab Kahani, this is your genre. And you know, it feels so good to see you in this. You also have Animal that's releasing this year. You already had 2022 as a winning year with you for Brahmastra. Do we expect the same from you for this year? I hope. I mean, every year you have that expectation from your work. Yeah, I hope. Fingers crossed. Thank you for the compliment though. Thank you. Expectation to hai bhai. Haan, uske bina to nahi tha. Hello. Hi, Pooja Navati here from Awesome TV. Congratulations to the entire team. Trailer looks simply awesome. My question is to Shraddha. Shraddha, you're looking so stunning, so hot in the trailer. It's like never seen before Avatar and fans are so excited. So tell me, how easy or difficult was it to portray this character? Koi question puchna unse? Shraddha, pehle ek tu puch. Ek question puchu unse. क्या नाम बताया मैम आपने? पूजा. पूजा. Actually, I don't think it's about a character being. ये participate नहीं कर रही मेरे साथ. अरे इतने टाइम बाद मिल रही हूँ यार. मैं excited हूँ. I'm excited to see all of you. Yes. So, huh? You also. Brand. Excited to see him also. पूजा सुन लो क्या बोल रही हूँ. बता दो. Correct. तो ये जो प्रोसेस था इस फिल्म पे, द वे दैट लव सर डायरेक्ट्स, द वे दैट राहुल वाज गाइडिंग अस थ्रू एवरीथिंग ऑन सेट, मेरे लिए बहुत नया प्रोसेस था. एंड बहुत मज़ा आया टू सी दैट द वे दैट दे थिंक एंड द वे दैट दे मेक द फिल्म. उनके जो तरीके हैं, जिस तरह से उनको इतनी परफेक्टली पता है कि वॉट द कैरेक्टर इज़, वॉज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. So thank you so much that you feel that, and I hope when you all see the film, you enjoy the film and you enjoy my character in it as well. Thank you. Hello everyone, here in the center. Yeah, firstly congratulations to all of you. This bhai ye jhooti ki chair pe baitha hai na, just mixing it up. Okay. Yeah, so my question is to you love only ki this is the first directorial you are trying with a new leading pair, and this is the first time them also coming together. So firstly, how did you kind of vision Ranbir and Shraddha coming together? Matlab what was that clicked in your mind ki matlab inko saath lana hai? Yaar jab aap romcoms karte ho na to usme pair ki bahut value hoti hai, right? Ha, actually film to Bassi ke hisab se likhi thi na, ki Bassi hero hai picture mein. तो मुझे वो डिसाइड करना था कि कौन दो बड़े स्टार्स हैं जो इसके साथ सपोर्टिंग करने के लिए मान जाएंगे. फिर जब मान गए तो उन्होंने मुझे निकाल दिया फिर. हाँ, तो अब मैं अपनी नॉर्मल बात पे आता हूँ, है ना. तो रोम कॉम में ना पेयर की बहुत वैल्यू होती है, और जो पेयर देखा हुआ होता है वो अपना बैगेज भी लेके आता है, राइट, उस अपनी एक्सपेक्टेशंस लेके भी आता है. तो अगर क्लीन स्लेट पे एक अच्छी रोम कॉम कर रही हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक फ्रेश पेयरिंग बनाई जा सके. और ये चांस की बात है दैट दे हैव बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग बट दे हैव नेवर बीन पेयर्ड टुगेदर. तो वो एक फ्रेशनेस जो है वो बहुत बड़ा रीजन थी इन दोनों को साथ में कास्ट करने का. हाय, शादमा दिस साइड फ्रॉम होम बॉलीवुड. यो बस्सी जी, मेरा सवाल आपसे ही है. आपने मेरे नाम उससे भी पूछा देख किसी ने. अरे उन्होंने मेरे नाम क्या के जी लगा दिया मेरा, हो गया. थैंक्स. बताएं आप. सो ऑब्वियसली आप स्टैंड अप कॉमेडी तो कॉमेडियन तो बहुत अच्छे ही हैं, लेकिन अभी तक आप बोलते आ रहे हैं कि एक मिनट का प्रेजेंस आपको मिला है, पर वो एक मिनट के प्रेजेंस में भी आप बहुत अच्छे लगे हैं. तो हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपको फिल्म में देखने के लिए. वेल बताइए हमें कैसा. कोई नहीं, बाहर जाके बोलेगा कि मैं पर्सनली जानता हूँ, मैंने बुलवाया था इनसे सब.
तो बताइए हमें कैसा रहा आपका अनुभव, यू नो, रणवीर और श्रद्धा के साथ में काम करने का, स्पेशली लवरंजन सर के साथ में काम करने का। सीरियस जवाब दो। हाँ सीरियस, सच सच बोल रहे हैं। लव सर से शुरू करता हूँ। आदमी जब मैं मिला था तो हम 5 मिनट में हम कनेक्ट हो गए थे और उसके बाद से हम ऑलमोस्ट दोस्त ही हैं। ये आदमी ने जितना नुकसान मेरा करा कोई कर भी नहीं पाएगा ऐसे। दोस्ती में, वैसे नहीं दोस्ती में, पर जितना इन्होंने बोला उतना मैं करता गया। मैंने इनसे पहले तो नहीं बोला था कि सर इतनी ख़राब एक्टिंग मत कराना कि मेरा स्टैंड अप बंद हो जाए, तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं करा लूँगा, कोई तो लोड नहीं है। तब से मैं इनकी बात पर विश्वास। ये बहुत अच्छा है फिल्म है, ट्रेलर पर मत जाना, बहुत लंबा रोल है और बहुत अच्छा है फिल्म में। किसी ने विश्वास नहीं किया पता है, सच बोल रहे थे ये, पर किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मत दिल रखो उसका, ठीक है। बाकी मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया और मैं सच मुझे, मैंने बाकी किसी के साथ कभी काम किया नहीं है ऐसे एक्टिंग एक्टिंग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे भी करूँ तो मैं इसी आदमी के साथ करता रहूँ, क्योंकि मेरा बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई है। थैंक यू। बाकी रणबीर और श्रद्धा, मैं बाहर से आया हूँ, मैं बॉलीवुड का पार्ट था नहीं, मैं बाहर से आया था, मैं इन लोगों से पहली बार मिला था। हम लोगों को बाहर से देखने में कुछ लगता है, कुछ हम अपना परसेप्शन बनाते हैं, कुछ भी है, बट जेन्युइनली एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये दोनों सुपरस्टार्स हैं, मेगा स्टार्स हैं, पर इन्होंने मुझे एक भी दिन एक भी सेकंड के लिए रियलाइज़ नहीं होने दिया कि ये लोग सुपरस्टार हैं। और शायद एक बड़े आदमी की यही पहचान होती है कि वो किसी को छोटा नहीं दिखाता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। या इस आदमी ने मुझे 5 मिनट में छोटा भाई बना लिया था, तो तब से मैं हूँ और बस बहुत अच्छा चला हमारा, बहुत अच्छा लगा मैम मुझे काम करके। बाकी काम कैसा लगा वो आप देख लेना, अगर इन लोगों ने रखा हो तो। किरण भी, श्रद्धा, पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। दिस इज सिमरन सिंह हियर, यहाँ पे लेफ्ट में, यहाँ पे मेरा सवाल श्रद्धा और लव दोनों से, यहाँ पे लव सो, यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पे। तो पहली बात तो कंग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर। मेरा सवाल आपसे ये कि ऑल दो द मूवी इज कॉल्ड टू झूठी मैं मक्कार, बट ऐसा क्यों होता है कि आपकी फिल्मों में हमेशा जो लड़की होती है वो विलन होती है? मतलब बीट प्यार का पंचनामा, सोनू टीटू, सोनू की टीटू की स्वीटी, या टू झूठी मैं मक्कार, झूठी एक मतलब लड़की होती है, श्रद्धा ही क्यों मतलब लड़की? भाई इसमें तो खुद को भी मक्कार बुला रहे ना, मतलब लड़का हाँ, भी मक्कार है ना। आफ्टर द हार्ट ब्रेक, मतलब जो आपको आपको मिलता पता है ना मेरे डैड कौन है। ओह तो इसलिए ऐसा नहीं है, वो आप देखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ट ब्रेक में हैं, ये भी मक्कार है वो झूठी है। अब की बार दोनों बराबरी में है। कभी हम ऐसा देख सकते हैं कि लड़का जो वही हार्ट ब्रेकर होता है और वही झूठा निकल। भाई बाकी फिल्म मेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना उस मैटर पे कि लड़की सीधी है और लड़का चालू है, ये तो 50 साल से लोग दिखा ही रहे हैं। ठीक है, सही है सर। रणबीर अब ये वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी ना। लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग। ओके ओके रणबीर, ऑन योर लेफ्ट है रणबीर, शादी से पहले जब भी आपकी लाइफ आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस पहले की बात की, पहले बोलो बोलो बोलो, शादी हटा दीजिए, पहले की बात करते हैं। जितनी भी लड़कियां आपकी लाइफ में आई हैं, आपको कितने टाइम में आपको पता चल गया कि ये झूठी है? एंड जब आपको पता चलता था कि ये झूठी है, तब क्या चलता था आपके दिमाग में? वो तो पता नहीं अगर कभी पता चला, लेकिन ये पता चला कि आप मक्कार हो। मैं मक्कार नहीं हूं, मैं झूठा। Ranbir, Justin here from Indian Express, towards your left. Hi. You know, recently you had said that this film might be one of your last rom-coms. A lot of fans disagreed with you and they were not happy. Is that a decision that you have rethought? Like, yeah, no. Isko pehle main ko ek baat bolni hai is baat pe mera opinion kya hai ki ek to usne baat galat boli. Agla bol raha hai to bole ki this is my last rom-com, to producer director ko fayda ho. Might be my last rom-com का तो कोई मतलब ही नहीं होता ना, स्टेटमेंट ही अजीब है भाई। मुझे भी सेफ खेलना पड़ता है ना, अगर पिक्चर हिट हो गई तो फिर से कर लूंगा, अगर पिक्चर नहीं चली तो बोलूंगा नहीं डायरेक्टर में खोट था भाई, ऐसी बात सोचने का भी नहीं। No, I mean yeah, you know, I've done a lot of films in this genre, you know, I've done Bachna Hai Haseen, I've done Ajab Prem Ki Gazab Kahani, Ye Jawani Hai Deewani, Anjana Anjani, Ae Dil Hai Mushkil. Sometimes what happens is, you know, actors have very limited faces and a personality, and sometimes you run out of them, you need characters. So it's very hard. I think a rom-com genre is the hardest genre. When you give me a character, say even a character like Sanju or Rockstar, you're hiding behind a character, you know, you have certain paraphernalia around you to work with. So these parts are very hard, you know, so I'm just insecure, you know, that I don't run out of a personality so I can still keep delivering some entertainment through this genre. Uh-huh.
श्रद्धा एक्चुअली लव सर सेट पे ना हमें मिस्ट्री में रखते थे कि क्या सच हो रहा है क्या झूठ हो रहा है तो हमें पता ही नहीं होता था तो वी यूज टू बी सो कन्फ्यूज ऑल द टाइम एंड ही इज़ अ मास्टर ना मतलब वो उनको टेढ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम भी सोचते थे कि मैं झूठी हूँ मैं या तू मक्कार है तो वो अभी आप फिल्म देखोगे तो वो पता चलेगा तो लेकिन ये पूरे टाइम ऐसे ही हुआ एंड दैट्स बिकॉज़ ऑफ लव सर अब मेरी बुराई हो रही है अब जो है रैप करेंगे कोई क्योंकि दोनों यही है झूठी हां दोनों यही है बट थैंक यू सो मच भाई अब इस हां हमारा आज की सभा यहीं खत्म करेंगे थैंक यू तेरे को करनी थी सभा खत्म करते ना लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस चलो ले लेते आर के बोल ले लेते हां बताइए सर आप माइक ले लीजिए क्योंकि फिर बाकी सबको समझ में नहीं आएगा भूषण सर आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू एक सेकंड लेट्स लेट आस्क भूषण सर अ क्वेश्चन एंड देन वी कम बैक भूषण सर हियर जी हाय सर विद पठान गेटिंग द एडवांस बुकिंग्स एंड एवरीवन इज सो एक्साइटेड टू सी एसआरके एंड आई थिंक आफ्टर दैट दिस इज द सेकंड ट्रेलर आई एम सीइंग द सेम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट हियर डू यू थिंक 2023 इज द ईयर वी आर लुकिंग फॉर एट द बॉक्स ऑफिस टू ब्रिंग बैक एवरीवन and especially the absolutely, Bollywood I would go. Pathan is carrying very good reports and the advance are very good and acha hai zyada filmein chalengi to hamari puri industry ke liye better hoga and this film is totally musical aapne dekha hai trailer mein aur isme music to bahut zyada gaane hain aur bahut badhiya film hai to I think ye ek start hoga Bollywood ka wapas se 2023 mein hi Ranbir sir over here Last question. Shubhajit from IWM Buzz. Hi, Shubhajit. I want to tell you something. When I saw the trailer, in terms of fitness, there's this two very popular words called thirst trap and snack. I'm sure all the girls over here, they agree that you're looking like that. Girls, do you agree he's looking like a thirst trap and snack or not? That's exactly what you're looking and you look like a 25-year-old Londa. That's what I can say. So ye jo hai, freshness hai, vibe hai, despite everything, all the stress in terms of work, how do you keep yourself so fit and fresh in terms of everything? You know, I'll connect it to the same, it's a similar answer to that question. Because of the genre, it's such a hard genre, you know, to, because in this kind of films, you have to look good, you have to, I mean, there's nothing like youth, so you have to try and look younger also. Of course, you know, when you write a rom-com for a certain age, that's different. But you have to work hard, you know. I think Shraddha, me and everybody on this film, we really believed in the story, we believed in the entertainment quotient that this film was delivering. So we all were inspired. You know, we all wanted to give our best. Hi, Sarita Singh. No, your mic is not working, ma'am. तो हाय दिस इज सरिता सिंह रणवीर और श्रद्धा सबसे पहले मैं ये कहूँ कि ये झूठी और मक्कार दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं और आई एम रियली ईगरली वेटिंग कि इनकी कहानी क्या है पर आप दोनों पहली बार साथ में काम कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में आप लोगों ने कुछ नहीं बताया रणवीर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा श्रद्धा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एक तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि लव सर ने डिसाइड किया कि कार्तिक और नुसरत के अलावा ही वॉज ओपन टू वर्किंग विथ अस फ्रेश फेसेस तो बहुत खुशी की बात हुई सो थैंक यू वेरी मच लव सर एंड एवरीबडी नोज दैट यू नो रणबीर इज सच अ फैब्यूलस एक्टर एंड आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड हिज वर्क एंड ये एक्सपीरियंस करने के लिए ऑन सेट विथ हिम बहुत मजा आया एंड ही इज रियली सुपर्ब चलिए गाइस थैंक यू सो मच ये हम यहीं पे खत्म करते हैं मेरे तो ये भी तो बोल दे मैं भी तो कुछ बोल लूं अच्छा आपको ही बोलना था क्या सॉरी हां बोलिए सो आई हैव नोन श्रद्धा सिंस आई गेस She was born and I was born because our parents are friendly and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that, you know, we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication and fire, you know, to give her best. She's an actress who's loved by so many people. She's such a big, if you can say, a commercial box office superstar. So her coming into this film really gave this film a lot of value and I think it is Love's genius that she casted both of us together. So thank you, Love. Thank you. I give you credit for this also. But yeah, it was amazing working with Shraddha and I hope that we can do really amazing work together in the future. Chale. Chale. Thank you so much, guys. Thank you for coming and... Pictures kaise honi hai, wo Love sir decide karenge, wo bata denge aap logo. Pictures aise hi hongi. Ye dur hi khade rahenge ye log. और इनकी साथ में कोई पिक्चर नहीं होगी बाकी हम माइक दे रहे हैं थैंक यू सो मच एवरीवन थैंक यू बाय मेरा शो है मैं जा रहा हूँ यहाँ तो कुछ हुआ नहीं
तू सैटरडे की रात है मैं संडे था अखबार मैं बच्चन की दीवार पापड़ ले मेरी डार्लिंग तू झूठी मैं मक्कार की रात है मैं संडे था अखबार तुम राव जान दो मैं बच्चन की दीवार पापड़ ले मेरी डार्लिंग तू झूठी मैं मक्कार